हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17, जो कि साइंस सब्जेक्ट से है, इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट का क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सनराइज होता है, सन जो है हम कहते हैं कि सन उग गया है या सनराइज हो गया है, सन निकल गया है। तो क्या होता है कि बहुत सारी लाइट जो होती है वो हमारी धरती का जो अंधेरा होता है उसे मिटा देती है। व्हेन द सन रे पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब ये सन की रेज को हम ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं, व्हाट आर द कलर्स इन द बैंड ऑफ लाइट सीन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म। यू हैव लर्न दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स। आपको पता है कि जो लाइट है वो बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनी होती है। यू मस्ट हैव आल्सो सीन द डस्ट पार्टिकल इन बीम ऑफ सनलाइट इंटरिंग द हाउस थ्रू ए स्मॉल विंडो। थ्रू ए स्मॉल विंडो से जब कभी सुबह में या दोपहर में जब कभी भी एक रूम के अंदर हमारे अंधेरा होता है, सारी विंडोज़ वगैरह बंद होती है और एक छोटी सी ओपनिंग होती है, तो उससे जब बीम ऑफ लाइट इंटर करती है तो वो बीम जो है पूरी वो लाइट की जो बीम है एक पतली धारा के रूप में दिखाई देती है और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वी स्विच ऑन द हेड लैम्प ऑफ ए कार व्हेन वी ड्राइव थ्रू ए थिक फॉग। मीन्स कि जब भी हम कभी ड्राइव कर रहे होते हैं और हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो हम क्या करते हैं, हेड लैम्प्स जो होते हैं उसे हम जला लेते हैं। इसी तरह से व्हाट डू यू रियली सी व्हेन वी सी ए बीम ऑफ लाइट, वी सी टिनी डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द बीम, दैट इज वाई वी आर एबल टू सी द बीम ऑफ लाइट। We see a variety of shades of the color in the early morning and evening sky. जब भी सनराइज होता है और सनसेट होता है तो जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स के शेड दिखाई देते हैं आसमान में। In photographs taken from the space by the satellite, the earth appears as टू बी ब्लूइज। तो जो हमारी अर्थ होती है वो ब्लूइज दिखाई देती है, दैट इज़ द काज ऑफ ऑल दिस इफेक्ट। और इन सारे इफेक्ट का ये कारण होता है। स्केटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो क्यों होती है, ग्लास बीकर, डायोड, लेजर, ये सारी चीज़ें हमें लाइट के स्केटरिंग को समझाने के लिए की गई हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी मैं तो बस कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगी। वेन सनराइजेज आवर सराउंडिंग अपीयर एलुमिनेटेड, जब अंधेरा होता है और जब सुबह होती है तो क्या चेंजेज होते हैं। जब अंधेरा होता है सुबह के समय पे जब सनराइज होता है तो चारों तरफ लाइट जो है फैल जाती है, इल्यूमिनेट हो जाती है और सारी चीज़ें हमें क्लियर और साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। द इंटायर स्काई अपीयर ब्राइट, रात के समय में स्काई कैसे दिखाई देती है, ब्लैक, और दिन के टाइम पे स्काई जो है लाइट ब्लू या लाइट स्काई कलर की दिखाई देती है, क्लाउड्स भी दिखाई देते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड अदर टिनी पार्टिकल इन द एयर, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट होती है जो कि सन से इमिट होती है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, उनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और उससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एयर, हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर द स्काई वुड हैव अपीयर डार्क ड्यूरिंग द डे एंड द कोर्स एंड द सन वुड बी डायरेक्टली सीन, दिस हैज़ बीन वेरीफाई बाई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है और एक जो है स्केटरिंग ऑफ लाइट को लेके एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। जैसे कि टेबल लैम्प जो होता है जिससे हम पढ़ाई करते हैं, अगर उसके सामने इस तरह से एक स्टूल लें, इस पर वाटर रखें और इस तरह से वाटर है और ये वाटर बीकर में वाटर लें और जब हम इस पे ब्लैक पेपर लगा देंगे तब हमें क्या दिखेगा और जब हम इस ब्लैक पेपर को हटा देंगे तब हमें क्या दिखेगा, ये चीज़ें हमें लाइट के गुण को दर्शाती हैं कि लाइट है तो हमें क्या चीज़ें चेंज होकर दिखती हैं। यूज योर ब्रेन पावर, इफ़ यू more drop of milk are added then the reddish color seen from the front become an intense red. Means कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल किए गए हैं, इसको आप कंप्लीट चाहे तो कर सकते हैं,
और मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। यहाँ भी इस कैटरिंग को लेके एक प्रैक्टिकल किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इक्लिप्स क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। सोलर इक्लिप्स क्या होता है और लूनर इक्लिप्स क्या होता है। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन व्हेन द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ, घूमते घूमते जब जो चांद होता है, जब वो सन के और धरती के बीच में आ जाता है। ए शैडो ऑफ द मून इज कास्ट ऑन द अर्थ, मून में एक शैडो कास्ट हो जाता है। एंड द सन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट इन द शैडो, दिस इज कॉल्ड ए सोलर इक्लिप्स। ए सोलर इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन ए न्यू मून डे, ठीक है। द सोलर इक्लिप्स में भी आइदर पार्शियल आर रोटेटेड आर पार्शियल आर टोटल, सम टाइम द सोलर इक्लिप्स इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द मून, दिस इज द सोलर टोटल सोलर इक्लिप्स। व्हेन द सोलर डिस्क इज नॉट कवर्ड फुली बाय द मून वी हैव, जब सोलर इक्लिप्स में जब मून के द्वारा सन जो है पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, तो उस समय जो है टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। When solar disk not covered fully by the moon, तो इसे हम partial solar eclipse कहते हैं। Complete solar eclipse ये जो है इसे हम total solar eclipse कहते हैं और partial solar eclipse कहते हैं। During a solar eclipse के दौरान ultraviolet rays जो होती है which are harmful to us reach the earth। A solar eclipse जो होता है should never be watched with the naked eye। A special type of goggles should be used for this purpose। कोई भी सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, इसे हमें कभी भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। इससे जो है हार्मफुल रेज निकलती हैं जो हमारे आईज को जो है नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से हो गया लूनर इक्लिप्स, व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून, ए शैडो ऑफ द अर्थ इज कास्ट ऑन द मून एंड पार्ट ऑफ द मून इज कवर्ड, दिस इज कॉल्ड द लूनर इक्लिप्स। ए लूनर इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन ए फुल मून नाइट, इफ द होल मून कम्स इन शैडो ऑफ द अर्थ इट इज ए टोटल लूनर इक्लिप्स। व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ इज कास्ट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द मून दिस इट इज ए पार्शियल लूनर इक्लिप्स। व्हेन यू कैन वॉच ए लूनर इक्लिप्स विथ नेकेड आई, ए लूनर इक्लिप्स कैन बी सीन ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्लिप्स कब कब होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इक्लिप्स होते हैं, इक्लिप्स ऑफन अकर इन सोलर डेज एज सीन्स फ्रॉम द अर्थ व्हेन ए प्लैनेट और द स्टार पासेस बिहाइंड द मून, द स्टेट इज कॉल्ड द ओकुल, इट इज ए कॉमन फिनोमिना दैट अकर विद द सन मून और अदर स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल इन 2016 द स्टार कॉल रोहिणी वॉज हिडन बिहाइंड द मून, आफ्टर सम टाइम इट कम अपीयर ऑन द अदर साइड ऑफ द मून। यहाँ पे हम देख लेंगे एक चीज और है, जीरो शैडो डे क्या होता है। द डे ऑन विच द सन रीचेज एग्जैक्टली ओवर हेड इज कॉल्ड द जीरो शैडो डे। ऑन दैट डे एट नून शैडो कम्प्लीटली डिसअपीयर, दिस इवेंट कैन ओनली बी सीन इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एन नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। दिस इवेंट अकर इन द समर ऑन द डिफरेंट डे इन डिफरेंट प्लेसेस इन दिस रीजन। ऑलवेज रिमेंबर एन इक्लिप्स इज ए नेचुरल फिनोमिना, मैनी सुपरस्टिशंस कनेक्टेड टू दिस इक्लिप्स आर प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी। इट इज necessary that everyone makes effort to rid the society of superstitious beliefs, think and discuss। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ये सारे वीडियोज हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।